नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपने प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन देखा शायद ही कभी हो। आखिर आजादी के पहले का भारत कैसा दिखता होगा, तब के लोगों का रहन सहन पहनावा कैसे होते होंगे। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि पहले के समय में लोग शौकिया या दिखावे की जिंदगी नहीं बल्कि जरूरत की जिंदगी जीते थे, यानी कि जितने की जरूरत उतने का ही खर्चा। इसलिए उस समय में अमीर से अमीर लोगों का रहन सहन भी सामान्य ही होता था। अंग्रेज भारत तो छोड़ गए लेकिन अपनी दिखावे की जिंदगी का पाठ हम भारतीयों को पढ़ा गए। खैर, आज हम आपके लिए उस प्राचीन भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आए हैं जो आपको आजादी के पहले के भारत की सूरत से रूबरू कराएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर है सन 1890 की, जब सपेरे लोग सड़कों पर सांपों का खेल दिखाकर अपना गुजारा किया करते थे। हालांकि अब सांप पकड़ना भारत में बैन है। बाएं हाथ से पहले नंबर पर है भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। ये फोटो उनके पढ़ाई के दिनों की है। और इस तस्वीर में ये बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है। ये फोटो सन 1958 की है जब इन्हें रंगून ले जाया जा रहा था। ये तस्वीर है द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन की ओर से विमान उड़ाने वाले हिंदुस्तानी पायलट्स की। ये फोटो सन 1903 की है। ये लंबा चौड़ा व्यक्ति एक जल्लाद है। देखिए कितना अलग पहनावा होता था तब के जल्लादों का, जैसे कोई राजा लड़ाई के लिए तैयार हो। और ये तस्वीर है उस लाहौर की जो कभी हिंदुस्तान की जान हुआ करता था। यहाँ कई क्रांतियाँ हुई, उस समय में ये शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र हुआ करता था। 1938 की ये तस्वीर उस समय के स्पोर्ट्स डे को दिखाती है जिसमें लड़कियों ने भाग लिया है। देखिए इनका पहनावा आज के समय से बिल्कुल अलग। ये तस्वीर बेहद धुंधली है लेकिन फिर भी अब ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 1891 में खींची गई ये फोटो रतन चांद मंदिर की है। इस तस्वीर में आपको पंजाब के प्रमुख शासक दिखाई दे रहे होंगे। 1894 की ये तस्वीर उस जमाने की है जब छातों का प्रयोग राजा महाराजाओं की शान और शौकत का प्रतीक हुआ करता था। ब्रिटिश आर्मी में भर्ती भारतीय सैनिकों का पहनावा 1940 में कुछ ऐसा हुआ करता था जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। 1928 की लाहौर की ये तस्वीर कितनी उन्नत और विकसित है, पर गौर करने वाली बात ये है कि इस समय में शायद ही किसी मकान पर रंगों की पुताई मिलती हो। बंटवारे के बाद सीमा पार करते इन लोगों की ये फोटो साफ बयां करती है उस समय की यातायात व्यवस्था को, जब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां या बसें होने के बाद भी बैलगाड़ियों पर ही सारा सामान समेट लिया करते थे। और ये है हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम महिला पायलट हिजाब इम्तियाज। सोचिए 1936 में भी महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी पर खड़ी रह सकती थी। इस फोटो में आप देख रहे हैं 1940 के समय की मशहूर गजल गायिका अख्तरी बाई फैजाबादी को। ये तस्वीर ऑल इंडिया रेडियो में प्रस्तुति के दौरान ली गई थी। इन्हें बेगम अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। सन 1900 की इस तस्वीर को देखकर आप उस समय के रहन सहन को भलीभांति समझ सकते हैं। 1920 के दशक की ये फोटो उस तोप की है जिसका नाम दुनिया की सबसे खतरनाक तोपों में शामिल था। इस तस्वीर में तोप के अलावा आसपास के बाग को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि तब की संस्कृति कितनी सरल और सहज हुआ करती थी। और 1930 की ये तस्वीर है जिमखाना क्लब की, जिसमें लोग साधारण कपड़े पहने हुए क्रिकेट खेल रहे हैं। ना पैड ना ग्लव्स, साधा धोती कुर्ता है, बैट है, बॉल है और खेल का मजा है। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है हम भारतीयों का क्रिकेट प्रेम। ये फोटो साइमन कमीशन का विरोध करते भारतीयों की है जो मोची गेट पर खींची गई थी। और ये तस्वीर है उस समय के गेटवे ऑफ इंडिया की। सच, तब में और अब में कितना फर्क आ गया है। और ये फोटो है वीर क्रांतिकारी भगत सिंह की, जब उन्हें कैद कर लिया गया था। बेड़ियों में जकड़े भगत सिंह लेकिन चेहरे की मुस्कान देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा को बयां कर रही है। तो दोस्तों, ये तो थी प्राचीन भारत की कुछ दुर्लभ तस्वीरें। आपको ये तस्वीरें कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।